हमारे पास ये कप है और मेरे पास इस धागे से ये पेन जुड़ा हुआ है। सर क्या होगा, सवाल है सर क्या होगा अगर मैं पेन को फ्री कर दूं? ये कप गिर जाएगा, कप तो टूट जाएगा। अगर मैं इस पेन को फ्री करूं तो कप गिर जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर इसके पीछे मैं फिजिक्स बताऊंगा। अगर मैं ये पेन फ्री कर दूं तो शायद ये कप टूट जाएगा। चलिए देखते हैं सर ऐसा कैसे हुआ, कप तो गिरा ही नहीं। सर क्यों हुआ ऐसा, ये रोटेट क्यों किया इसने? सर इसके पीछे साइंस क्या है? सर जो ही मैंने इस पेन को फ्री किया तो पेन जो ही फ्री किया, इस कप का वेट ज्यादा था तो कप नीचे की तरह चला गया और ये जो लंबाई है इस धागे की लंबाई वो उतनी कम होने लगी। सर अगर लेंथ कम हो जाएगी, अगर एल का मान कम हो जाएगा तो आई का मान भी कम हो जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रही है, सर अगर कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रही है उस वक्त अगर आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ेगा। सर सेम इज द केस, यही यहां पर हुआ, लगातार यही कारण यहां हुआ। सर ये लेंथ कम होने की वजह से, ये लंबाई घटने की वजह से सर आई का मान जो है वो लगातार घटने लगा और आई का मान लगातार घटने की वजह से ओमेगा इंक्रीज हो गया। इस ओमेगा के इंक्रीज होने की वजह से ये यहां पर रोटेट हुआ और कप नीचे गिरने की वजह नहीं गिरा और ये हमारे पास बचा रहा।